कांग्रेस की कार्य प्रणाली से नाराज खाचरोद के कांग्रेस नेता सूर्य प्रकाश शर्मा ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ली है। इस दौरान पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, भाजपा मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष दिनेश जाट, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। शर्मा जी, क्या कारण रहा है कि कांग्रेस का दामन छोड़कर आपने बीजेपी का साथ देने के? जब जनता पे अन्याय होता है तो किसी न किसी व्यक्ति को उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ती है। मध्य प्रदेश में आज से 18-19 महीने पहले कमलनाथ जी की सरकार बनी थी और सरकार बनने के बाद जो एक घोषणा पत्र बनता है, इन्होंने एक नया चीज किया, वचन पत्र बनाया। और वचन पत्र में कुछ ऐसे मुद्दे थे जो जनहित के थे, शिक्षकों के हित के थे। जब उन मुद्दों को उठाने की बात मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत के उभरते हुए नेता, मेरे नेता श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से पत्रकारों के द्वारा पूछा गया और एक सभा में उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी, जब हमने जनता से वचन पत्र दिया था और ये कहा था कि हम ये वादे पूरे करेंगे, अगर आप उन वादों को पूरा नहीं करते हैं तो मुझे जनता के साथ सड़क पर उतरना पड़ेगा। 3 दिन बाद मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने कहा कि आपको सड़क पर आना है तो आ जाओ। तो अन्याय के खिलाफ न्याय की आवाज़ लगाने के लिए श्रीमंत सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी और हमारे 22 विधायक, उसमें 6 मंत्री भी थे, उन्होंने अपने पद का त्याग करके जो लोग कह रहे थे सड़क पे आ जाओ, उनको सड़क पे ला दिया और राष्ट्रवादी विचारधारा श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा, विश्व के नेतृत्व की ओर बढ़ रहा। एक ऐसी विचारधारा के साथ हमको जुड़ने का सौभाग्य मिला और श्रीमंत सिंधिया जी के नेतृत्व में मैं और इस विधानसभा में अभी भी 500 से 1000 कार्यकर्ता माननीय दिलीप शेखावत जी के नेतृत्व में हम प्लानिंग करके कब करना, कैसे करना, हमारे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में अभी और सदस्यताएं होगी। और हम इस पार्टी में आए सिर्फ सेवा करने के लिए आए, हमें कोई पद की लालसा नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जनहित के मुद्दे जो शिवराज सिंह चौहान जी ने, जो विकास कार्य शेखावत जी ने, जो कि हजारों करोड़ों के ऊपर थे, वे उसको चलाएं। झूठ और फरेब की राजनीति पट्ठावाद क्षेत्र में बंद हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। शर्मा जी, मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं माननीय सूर्य प्रकाश शर्मा जी का, मैं अभिनंदन करता हूं मदन राजवरा जी का, सतीश चौहान जी का, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में नागदा खाचरोद में उनका स्वागत है, पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है। हम सब कार्यकर्ता उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और विश्वास करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, भारतीय जनता पार्टी के अपने सिद्धांत, भारतीय जनता पार्टी की अपनी पंचनिष्ठाओं, एकात्म मानववाद को स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जन सेवा के मार्ग को पूरी ताकत ऊर्जा के साथ वो इस संकल्प को पूरा कर पाएंगे। और निश्चित रूप से हम उनको ये विश्वास भी दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम सभी में अपने परिवार में लोगों को अंगीकार करने की, स्वीकार करने की जो अद्भुत क्षमताएं होती हैं, इस पूरे परिवार में उनको
मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, स्थान मिलेगा। और मैं पुनः उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हुए भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन। के लिए एक हर्ष का विषय के खाचरौद नागदा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के अपने आप में एक डायनामिक लीडर और लोकप्रिय नेता आदरणीय पप्पू शर्मा जी हमारे बीच में है। बड़े मज़ेदार वक्ता है, जबरदस्त वाणी है, तर्कसंगत आप लोगों के बीच बात रखते हैं। और आज निश्चित अगर आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन चुना है तो कुछ तो बात होगी। अभी दोपहर में ही मीडिया के माध्यम से हम पर आरोप लगाने वालों की पोल पट्टी पूर्व विधायक जी ने और हम दोनों ने खोली है। अब लंबा चौड़ा पोल पट्टी खोलने का काम आदरणीय पप्पू शर्मा जी हमारे साथ करेंगे। और मजेदार बात, कांग्रेस की सरकार हो तो भाजपा ही गुंडे और भाजपा की सरकार आ जाए तो भाजपा ही गुंडे। पप्पू अंकल, अब जरा इनको मजा चखाना आप हमारे साथ में। मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ आदरणीय राजोरा जी का। मैं आपका भी सहयोग बहुत लूंगा क्योंकि चूंकि नागदा मंडल में आप हैं और आपका सहयोग मुझे स्नेह मिलेगा। हमारे चौहान साहब हमारे बीच में है, आपका भी सहयोग मैं लूंगा। निश्चित रूप से जिले का अध्यक्ष युवा मोर्चे का, तो आपका भी कहीं ना कहीं सहयोग लेने का अवसर मिलेगा मुझे। मैं हृदय से स्वागत करता हूँ और कांग्रेस के मित्रों से पुनः मीडिया के माध्यम से आग्रह कर रहा हूँ, भैया आप भाजपा ज्वाइन कर लो, यहाँ भारत माता की जय बोली जाती है। आप भाजपा ज्वाइन कर लो, यहाँ पे वंदे मातरम बोला जाता है। आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, यहाँ पर चीन और पाकिस्तान की बैंड बजाने का काम किया जाता है। और अब पप्पू शर्मा जी और पूरी टीम है, उनको पुनः बधाई, जय हिंद जय भारत। कुछ महापूर्व श्रीमंत ज्योतिराव सिंधिया जी ने एक ऐसी सरकार का अंत करा कि जो इस प्रदेश के लिए किसी भी तरीके से उचित नहीं था। और उस समय से लगातार माननीय सूर्यप्रकाश शर्मा जी मेरे संपर्क में थे, और ऐसा नहीं कि आज संपर्क में है, लगातार कई महीनों से ये अंदर की बात थी। अब बात सामने आ गई है कि लगातार एक भाई की तरह इनका सहयोग मुझे लगातार मिलता रहा है। ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि महाराज के साथ में आप लगातार कह रहे थे कि दिलीप जी मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना है। कल इन्होंने भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और अन्य बड़े नेताओं के साथ में, महाराज खुद भी उपस्थित थे, भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करी है। मैं सोचता हूँ कि एक नई ऊर्जा का संचार इस नागदा खाचरौद विधानसभा में होगा। आदरणीय मदन राजोरा जी ने और सतीश जी ने भी करी है, और मदन राजोरा जी को तो मैं बहुत हंसता था पहले, क्योंकि इनसे मेरे संबंध 30-35 साल पुराने, जब ए ब्लॉक में माताजी बैठते थे और ये हमारी माताजी में काम करते थे, हम 10-10 दिन दोनों साथ में रहते थे, तो मैं कई बार हंसता था। लेकिन ये ईश्वर का योग है, पर एक अनुसूचित जाति वर्ग के अंदर बहुत अच्छे नेता हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उस समाज के लिए लड़ते हैं, भिड़ते हैं। इन सब लोगों के, और हरिकिशन जी तो भैया पहले आ चुके हो, मैं इनका खूब स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इतना विश्वास जरूर दिलाऊंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारवान कार्यकर्ताओं की पार्टी, इस पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं का निर्माण होता है, और इसलिए आपकी उम्मीदों से ज़्यादा सम्मान भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको देगा, निश्चित रूप से। और माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, और जैसा आदरणीय सूर्यप्रकाश जी ने कहा कि एक विश्व का जो एक सबसे बड़ा नेता आज माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उन सब के सपनों को साकार करने के लिए आप और हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आने वाले समय के अंदर। मैं फिर तीनों भाइयों का, एक शांतिलाल जी भाई साहब ने भी कांग्रेस, शांतिलाल जी वैसे मैं बता दूँ वो मेरे बिल्कुल परिवार के, क्योंकि उनका बेटा आशीष तो मेरे घर पे ही पला, इसलिए उससे तो मेरे व्यक्तिगत परिवार, ये सब लोग मुझे मदद करने वाले लोग हैं। मैंने कहा कुछ चीज़ें अंदर की रहती है, इनका खूब स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।